नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया, होम्योपैथ, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड बैचलर थेरेपिस्ट। आज हम बात करने वाले हॉर्नबीम, ये दवा के साथ में कौन सी मेडिसिन्स हम लोग कंबाइन कर सकते हैं, मतलब हाउ टू प्रिपेयर द मिक्सचर ऑफ मेडिसिन ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स। तो पहला देखते हैं हम लोग हॉर्नबीम और लार्च को कैसे मिक्स करना है। आपको पता है हॉर्नबीम ये मानसिक लेवल पर थका हुआ है, असल में ये थका हुआ नहीं है लेकिन ये मन से थक गया है, और इनको अगर कोई काम आता है सामने, या ये सुबह उठ करके ही ये बोलते अब तो मेरे से आज कुछ नहीं होगा, मुझे थकान लग रही है, मुझे बीमार जैसा लग रहा है, बुखार लग रहा है, ये सब इनके ऐसे लक्षण रहते हैं, लेकिन वंस दे स्टार्ट वो फिनिश करते हैं। इसके साथ में अगर इनका कॉन्फिडेंस वो रहेगा कि नहीं, अगर मैं चला जाऊँ वहाँ और मुझे कुछ हो गया तो मुझे मुझसे नहीं होने वाला, आज मैं नहीं जाता हूँ काम पे, आज मैं घर पे ही रह जाता हूँ, तो यू मिक्स हॉर्नबीम एंड लार्च 4 ड्रॉप्स 3 टाइम्स a day, आपको वो इसमें से बाहर निकाल देगा। फिर आप रियल में थक गए हो फिजिकली एंड मेंटली बोथ, आपके घर में कोई बहुत बड़ा फंक्शन हो गया और 1-2 महीने से आप तैयारी कर रहे थे और अब फंक्शन तो हो गया लेकिन नाउ यू आर टायर्ड, आप में वो स्ट्रेंथ नहीं रही है काम करने की और सामने काम दिख रहे हैं, तो आपको हॉर्नबीम प्लस ऑलिव ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके 4-4 दिन में 3 बार लेनी चाहिए। वाइल्ड रोज भी हमने देखी हुई है, वाइल्ड रोज में पूरी निराशा होती है, काम करने की इच्छा ही नहीं है, कोई उनको मोटिवेशन ही नहीं वाइल्ड रोज को काम करने के लिए, उसको कुछ नहीं लगता है, थकान नहीं कुछ नहीं, बस नहीं होता है, मन ही नहीं करता, निराश हो गए हो। हॉर्नबीम को थकान लगती है सुबह सुबह, हॉर्नबीम अगर काम शुरू करते हैं तो कर लेते हैं लेकिन वाइल्ड रोज काम शुरू ही नहीं करते हैं। तो अगर आपको ये दोनों दवाइयों का कॉम्बिनेशन कहीं नजर आता है कि कोई बंदा सुबह उठता है लेकिन उसको अगर जबरदस्ती हम धकेलते हैं कि भाई तू कर ले, उसकी इच्छा नहीं है तो भी, तो शायद वो थोड़ा बहुत काम कर ले, तो हॉर्नबीम प्लस वाइल्ड रोज ये बहुत इंपॉर्टेंट मिश्रण है। काफी लोग जो कुछ भी नहीं करते, घर में ही बैठे रहते, मेरे पास ऐसे कई पेशेंट्स हैं कि जो 40 साल हो गए उम्र को अभी तक कुछ काम नहीं कर रहे हैं, बस बोलते कि हमारी इच्छा ही नहीं होती, उदासीनता छा गई है पूरे लाइफ में कि नहीं मन करता है, काम पे जाता हूँ तो भी मेरे से काम नहीं होता है, थकान नहीं है, इच्छा नहीं है, उदासी छाई हुई, क्यों ही करना है काम, नहीं करना है। तो ये उदासीनता प्लस नर्वस वीकनेस, मतलब वाइल्ड रोज का थोड़ा अर्ली स्टेज में अगर वो हमारे पास आ जाता है तो हॉर्नबीम और वाइल्ड रोज देके हम उनकी गाड़ी को चला सकते हैं। कुछ कुछ लोग डर के मारे कुछ काम नहीं करते हैं, उनको डर रहता है कि मैं अब अगर मान लीजिए उनको कश्मीर जाना है या कहीं टूर पे जाना है, ट्रैवलिंग पे जाना है, नहीं यार मुझे नहीं जाना है, ट्रैवल नहीं करना है, एक्सीडेंट हो गया तो कुछ भी हो जाता है आजकल, गाड़ियाँ टकरा जाती है, खाई में गिर जाती है, नदी में गिर जाती है, मुझे नहीं जाना है, और ये डर उनको मोटिवेट नहीं करते रहता है, फिर उनको थकान आ जाती है, फिर उनको कारण मन कारण ढूंढने लग जाता है कि नहीं फिर मुझे थकान भी आ गई है। अगर हम जबरदस्ती उनको बोलते कि नहीं नहीं यार कुछ नहीं होता चलना, हम घसीटने लगते हैं उनको, तो बोलते हैं नहीं, फिर मुझे बहुत थकान लग रही है, बुखार जैसा लग रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा है, कैसे मैं ट्रैवल करूँगा, कैसे मैं 7-8 घंटे बैठूँगा गाड़ी में। तो उनको आप हॉर्नबीम प्लस मिमिलस ये दो चीज़ें, अगर उनको कॉन्फिडेंस भी कम हो तो लार्ज भी मिक्स कर दीजिए, और 6-6 दिन में 3 बार अगर देते हैं उनको, या फिर 2 दिन का ही आपके पास समय है तो 2-2 घंटे से दे दीजिए, तो उनके अंदर थोड़ा जोश आ जाएगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एंड बिलीव मी दिस मेडिसिन्स वर्क नाइसली। मैं कितने सालों से यूज़ कर रहा हूँ, सिर्फ आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि हाँ ये मेडिसिन देना है, तो बहुत अच्छी तरह काम होता है। और छोटी छोटी जो मन की तकलीफें हैं, इमोशनल प्लेन की तकलीफें हैं, वो पूरी बिगिनिंग में ही रूट आउट हो सकती है, अगर बिगिनिंग में ही ये सब चला जाता है तो फिर आगे फ्यूचर में वो तकलीफ बड़ी होगी ही नहीं। तो मेरा तो ये मानना है कि हर व्यक्ति को बैच फ्लावर मेडिसिन पता होनी चाहिए,
और वो समय पड़ने पर तुरंत उसको खरीद करके ले सके। तो इससे होगा क्या, कोई ज्यादा बीमार ही नहीं पड़ेगा और सबका मानसिक आरोग्य बहुत अच्छा रहेगा। इसीलिए मेरी कोशिश चलते रहती है कि मैं ये सबको सिखा दूं, बताऊं मैं डिटेल में, और इसके कॉम्बिनेशंस कैसे तैयार होते हैं आगे जाकर के, और एडवांस केसेस में भी कैसे यूज़ कर सकते हैं, केसेस मैं आपको बताते रहता हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपको कि सीखते रहिए और यूज़ करते रहिए, और शेयर योर एक्सपीरियंस विद अदर्स कि मैंने ये लिया, मुझे ये फ़ायदा हुआ। इससे क्या होता है, सीखने में मदद होती है। और अगर वीडियो की कुछ बातें अगर आपको अच्छी लगती है तो अभिप्राय देना न भूले, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लोगों को इससे कॉन्फिडेंस आता है कि ये दवा रियल में वर्क करती है। आपको खराब एक्सपीरियंस है तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है इसमें। देखते हैं आगे का कॉम्बिनेशन। कभी कभी हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, कोई बड़ा काम रहता है और हमारे मन में डाउट आता है कि यार मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, इतना बड़ा काम है। पहले तो कई बार किया हुआ है लेकिन इस बार थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है, या इस बार पता नहीं मुझे क्यों टेंशन आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ये जो अचानक से बीच में ही जो टेंशन आता है और अपना जो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज हो जाता है, वो एल्म ये दवाई का है। तो एल्म प्लस हॉर्नबीम अगर देते हैं तो कितना भी बड़ा काम होने दो, आपको टेंशन नहीं आएगा, आप फटाफट निकल जाओगे। कभी कभी ये एग्ज़ाम के पहले भी होता है, बड़ी बड़ी एग्ज़ाम्स रहती है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, यूपीएससी की, सीए की, मेडिकल की, नीट की, तो इसमें सब में ये देना चाहिए अगर सिम्टम्स है तो। कभी कभी निगेटिव विचार हमारे दिमाग में आ जाते हैं कि यार मैं जा तो रहा हूँ काम करने के लिए लेकिन पता नहीं, मुझे नहीं लगता होगा, मेरा काम कभी तो हुआ ही नहीं है, और मेरा नसीब ही खराब है यार। नहीं, नहीं होता है, मेरा नसीब ही खराब है, मैं कुछ भी काम करो मेरा नुकसान ही हो जाता है। अभी कई वो काम करने भी निकलते तो बिल्ली काटती है समझो उनका रास्ता, तो वो वापस आ जाते हैं कि नहीं यार, और ये सब चीज़ों पे वो विश्वास भी रखते हैं। तो ये निगेटिव विचार करने वाले लोग हैं जेंशियन। जेंशियन वाले को अगर थकान हो जाती है जनरली, फिर ये लोग क्या करते हैं कि काम करना ही बंद करते, जल्दी से निकलते ही नहीं घर के बाहर, पोस्टपोन करते रहते हैं, नहीं यार मेरा तो कुछ ठीक ही नहीं होता है, मैं कल सुबह जाऊंगा, फिर बोलते मैं कल शाम को जाऊंगा, फिर बोलते परसों जाऊंगा, या फिर मैं ये नहीं वो दूसरा काम कर लेता हूँ। तो ऐसे लोगों को आप जेंशियन प्लस हॉर्नबीम दीजिए तो उनका जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ जाएगा, प्लस उनका निगेटिविटी भी कम हो जाएगा। तो ये थे हॉर्नबीम के कुछ कॉम्बिनेशंस, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आता है कुछ तो मैसेज करिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने आप का ध्यान रखिए, स्टे हेल्दी स्टे फिट।